गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि व्यय किए जाने के संबंध में गठित समिति की बैठक। कोविड मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन सहित अन्य उपकरणों में धनराशि के प्रयोग करने के दिए निर्देश। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों में अपना योगदान दे रहे सामयिक संग्रह अमीन स्वर्गीय आदित्य त्रिपाठी के निधन पर डीएम ने उनकी पत्नी को दी 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद। एडीएम फाइनेंस ने कहा इसके पहले मंडलायुक्त के पीए संजय शर्मा की पत्नी को दिया जा चुका है 50 लाख की आर्थिक सहायता। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मार्गदर्शी बैंक जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक। बैंकों के क्रियाकलापों की गई समीक्षा। सीडीओ ने कहा शासन की योजनाओं को पहुंचाएं लाभार्थियों तक, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। एसडीएम सदर ने महानगर के कोरोना जांच शिविर केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कहा डरे नहीं, अवश्य कराएं कोरोना की जांच। जल जमाव की समस्या को लेकर नगर विधायक ने नगर निगम के खिलाफ खोला मोर्चा। नगर आयुक्त व महापौर से की टेलीफोनिक वार्ता। कहा अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने तहसील सदर क्षेत्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों से की अपील। कहा 19 सितंबर को राप्ती कॉम्प्लेक्स असुरन चौक सहित 5 स्थानों पर लगेगा कोरोना जांच शिविर, पहुंचकर कराएं कोरोना की निःशुल्क जांच। एसपी ट्रैफिक ने अवैध रूप से सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ चलाया अभियान, किया चालान, लोगों से की अपील। कहा यातायात नियमों का करे पालन, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर में शुक्रवार को कोरोना के मिले 221 नए संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13,700, एक्टिव मरीज हुए 1619। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 9 अक्टूबर को होगा मतदान और मतगणना। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों द्वारा रेलवे निजीकरण के खिलाफ निकाला गया मशाल जुलूस। जन जागरण कर जताया विरोध, निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ चलाया अभियान, की छापेमारी। 120 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित 10 क्विंटल लहन को किया नष्ट। तोड़ी भट्टियां, 4 लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर की कार्रवाई। और बीटीसी और डीएलएड के छात्रों ने सरकारी नौकरी में 5 साल संविदा के फैसले को रद्द किए जाने की मांग को लेकर एसीएम द्वितीय के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। फैसले को रद्द करने की मांग।